झुंझुनू जिले की हरियाणा से लगती बॉर्डर पर अपराधी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। सूरजगढ़ थाना इलाके के बलोदा गांव में एटीएम उखाड़ लिया गया। पिछले 7-8 दिनों में जिले के बॉर्डर इलाके में एटीएम उखाड़ ले जाने की ये तीसरी वारदात है। अपराधी वारदात करते हैं और कुछ ही दूरी पर हरियाणा में घुस जाते हैं। ऐसा ही सूरजगढ़ के बलोदा गांव में हुई वारदात में हुआ। वारदात कर अपराधी हरियाणा सीमा में घुस गए। एटीएम में 8 से 10 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में हरियाणा से राजस्थान में रात को करीबन 1 बजे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और एक बुलोरो राजस्थान में प्रवेश होती नजर आ रही है। उसी पॉइंट पर 2:48 पर वही ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और बुलोरो हरियाणा में वापस जाते हुए के फुटेज भी नजर आए हैं। हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 7 दिन में यह लगातार तीसरी वारदात है। बुआना कस्बे में 4 दिन पहले हुई एटीएम तोड़ने की वारदात में यही एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो नजर आई। बुआना में वारदात से पहले ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को क्वाडवास में वारदात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर गार्ड तैनात था जिसके कारण ये वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। गार्ड ने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को उस रात पकड़ नहीं पाई। इस ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने बुआना में वारदात को अंजाम दिया था। क्या नाम है सर? महिपत बंगड़ा नाम है। क्या मामला है भाई? यहाँ संजय जी ने मेरे को फ़ोन किया सुबह 3 बजे कि एटीएम उठा के नहीं गए हैं। उसके बाद में आके मैंने भी देखा तो पुलिस आई हुई थी यहाँ पर और एटीएम नहीं था। फिर हमने सीसीटीवी वगैरह